आप चावल का पानी यानी कि माड़ को फेंक देते हैं? तो शायद आपको ये नहीं पता कि चावल के पानी, जो चावल का पानी होता है, वो हमारे सौंदर्य के साथ साथ हमारी स्किन और बालों से जुड़ी कई समस्याओं में इसका इलाज छुपा हुआ है। चावल के पानी का उपयोग आज से नहीं, बहुत प्राचीन काल से होता आ रहा है। कोरिया और जापान जैसे देशों की महिलाएं जो हैं, वो इसका भरपूर यूज करती हैं, भरपूर उपयोग करती हैं अपने बालों के लिए, अपनी स्किन के लिए। चावल के पानी में इतने अच्छे अच्छे मिनरल्स होते हैं, अमीनो एसिड होता है, विटामिन ए होता है, विटामिन ई होता है, जिंक होता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, जो आपकी स्किन की बहुत सारी समस्याओं को एक बार में ही फिक्स कर देती है और आपकी स्किन इतनी ज्यादा प्लम्प हो जाती है, इतनी ज्यादा हाइड्रेटेड हो जाती है। आपकी स्किन में अगर काले दाग धब्बे हैं, आपकी स्किन में एक्ने हैं, एक्ने के मार्क्स हैं, छाइयां हैं, पिगमेंटेशन है, उसको ये इतने अच्छे से रिड्यूस करती है और आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा हाइड्रेट होती है। चावल के पानी में इतनी अच्छी प्रॉपर्टीज होती है अमीनो एसिड की, विटामिन्स की, कि आपकी स्किन को ये टाइट करती है, फर्म करती है, लाइटन अप करती है। इसको आप एज अ टोनर भी यूज कर सकते हैं, इसको आप एज अ फेस वॉश भी यूज कर सकते हैं, इसको आप डेली भी यूज कर सकते हैं। तो आज की रेमेडी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाली है और ये तो हर घर में पाई जाती है। और इन सब समस्याओं से अगर आप जूझ रहे हो या इन सब में से कोई भी प्रॉब्लम आपको है, तो ट्रस्ट मी, मेरी ये वाली रेमेडी एक बार जरूर ट्राई करिएगा और कमेंट सेशन में आके मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट वीडियो में जाने से पहले मुझे तहे दिल से उन सभी लोगों को थैंक्स करना है जो मेरी डीआईवाई ट्राई कर रही है और उनको बहुत ही ज्यादा हेल्प हो रही है अपनी स्किन पे, अपनी स्किन की ट्रांसफॉर्मेशन वो खुद देख रही है और यहाँ पे कमेंट पे आके मुझे थैंक्स कर रही है। तो मैं भी रिटर्न उनको बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ कि मेरी रेमेडी, मेरी बताए हुए तरीके, मेरे बताए हुए घरेलू नुस्खे आपको इतने अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि इसको मैंने कैसे प्रिपेयर किया है, कैसे लगाया है और इसका आपको क्या रिजल्ट मिलेगा। सो लेट्स टॉक अबाउट दीज थिंग्स। क्या आपको लग रहा है मैंने हाइलाइटर लगाया अपने फेस पे, हाइलाइटर लगा के बैठ गई मैं वीडियो शूट करने? नो डियर, देखिए आप खुद लाइव रिजल्ट देखिए, कोई हाइलाइटर नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरी स्किन वैसे भी इतनी ज्यादा हाइड्रेट, प्लम्प और ग्लोई ग्लॉसी रहती है कि मुझे हाइलाइटर की और इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों? अगर आपने अभी तक नहीं देखे मेरे वीडियोस तो तुरंत आप मेरे वीडियोस देखिए, मुझे सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत ही अच्छे, बहुत ही बेहतरीन वाले डीआईवाई लाती हूँ, बहुत ही बेहतरीन नुस्खे लाती हूँ जिसको अप्लाई करके मेरी फैमिली बहुत ज्यादा खुश है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इशारा एंड मैं हूँ स्मृति। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड ग्रेट। मेरी फैमिली बहुत खुश होगी, अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रही होगी और बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव होगी। पॉजिटिविटी जो है ना हमारे अंदर अगर रहती है तो चेहरे पे निखार और चमक अपने आप आ जाती है। तो चलिए आज की जो रेमेडी के बारे में आपको बता रही हूं वो है राइस वाटर। देखिए जो राइस वाटर है वो हमारे स्किन के लिए रामबाण है, हमारे चेहरे के लिए, हमारे बालों के लिए इतना अच्छा वर्क करता है जो शायद किसी को पता नहीं रहता है। चावल का पानी है, चावल का पानी को आप बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं, मैं वन बाय वन आपको बताऊंगी, बट सबसे इजिएस्ट तरीका मैं यहाँ पे बता रही हूँ, बट एट द सेम टाइम इट इज वेरी इफेक्टिव ऑल्सो। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, पर वीडियो में जाने से पहले अगर अभी तक आपको मेरा चैनल अच्छा लगा, मेरी छोटी सी फैमिली का आप हिस्सा बनना चाहते हो, आपको इन सारी वीडियोज में इंटरेस्ट है, घरेलू नुस्खों से आप अपनी स्किन, अपने बालों पर चार चांद लगाने चाहते हो, तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट द बेल बटन, जिससे आने वाली सारी वीडियो से आप रहो अपडेटेड। तो चलिए हम अपना ये वाला पैक बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिया है 2 टेबल स्पून चावल, राइस, कोई भी चावल ले लीजिए यार, कोई जरूरी नहीं है कि आप बासमती, राम भोग और वो जो एडवर्टाइज आता है ना अमिताभ बच्चन वाला, वही लेना, ऐसा कुछ नहीं है, वरना डीआईवाई और घरेलू उसको फायदा ही क्या है जब इतना खर्चा करवाना है, राइट। जो चावल आपके घर पे अवेलेबल है, जो चावल आप खा रहे हो वही लो। 2 टेबल स्पून आप चावल ले लो। इसमें आपको क्या ऐड करना है? इसमें आपको ऐड करना है 1.5 गिलास पानी। तो 1.5 गिलास पानी आपको इसलिए ऐड करना है क्योंकि आधा गिलास पानी उड़ जाएगा।
अब आपको इसको सॉस पैन में या किसी भी पैन में या किसी भी बर्तन में आपको लेना है और धीमी आंच पे इसको तब तक पकाना है जब तक इसमें थोड़ी सी एक जेली टाइप की कंसिस्टेंसी ना रह जाए या जिसको माड़ बोलते हैं ना वैसा ना हो जाए। तो जब आप 1.5 गिलास पानी उबालोगे तो उबलते उबलते ये 1 गिलास पानी रह जाएगा। जब ये 1 गिलास पानी रह जाए तो आप इसको फ्लेम से उतार दीजिए और उतारने के बाद आप इसको छान लीजिए। देखिए जो पका हुआ चावल है वो आप खा लीजिए, वो वेस्ट नहीं हो रहा ना, वो तो आपको खाने में यूज हो जाएगा। तो यहाँ पे आपकी इतनी सी भी चीज वेस्ट नहीं होने दूंगी मैं। इसके बाद आपको डालना है इसमें 2 चम्मच एलोवेरा जल, नहीं इसमें आपको डालना है 2 चम्मच गुलाब जल, सॉरी 2 चम्मच आपको डालना है इसमें गुलाब जल। जो गुलाब जल है वो आपकी स्किन को बहुत अच्छे से टोन करेगा, ये आपकी स्किन को कब पीएच लेवल मेंटेन करेगा। और जो ये राइस वाटर है ये आपके ओपन पोर्स को क्लोज करेगा, आपकी स्किन में पिगमेंटेशन है उसको फिक्स करेगा, झाइयां है उसको कम करेगा, आपके चेहरे पे निखार लाएगा, एक ग्लो लाएगा, एक इतना अच्छा हाइड्रेशन लाएगा, आपकी स्किन एकदम ग्लॉसी एकदम ग्लोई होने वाली है। लोग कहने वाले हैं कि क्या बात है, क्या लगाया है आजकल। अब इसको क्या करना, अब इसको आपको ठंडा होने के लिए रख देना है। ठंडा होने के बाद इसको अपने आप आइस क्यूब में जमा दीजिए। देखिए यहाँ पे आप चाहे पूरा 10 दिन के लिए बना के रखिए, 15 दिन के लिए बना के रखिए, कोई इशू नहीं है। वन टाइम की मेहनत है, वो भी ऐसी मेहनत नहीं है, एक बार आप इसको बनाना है और इसको आपको रेगुलर लगाना है। इसके बाद आपको क्या करना है, जब ये जम जाए तब आपको इसको एक कॉटन के कपड़े में लेना है और अपने पूरे फेस पे एज अ सर्कुलर मोशन आपको इससे मसाज करनी है। कितनी देर मसाज करनी है, जितनी देर ये आपकी आइस क्यूब उस कॉटन कपड़े में रहती है। ठीक है, कर ली आपने मसाज, अब आप इसको लेट इट ड्राई, इसको आप सूख जाने दीजिए। बट जब ये थोड़ी गीली रहती है तो आप थपकी मार के, जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ, आपको थपकी मार के, मैंने यहाँ पे तबला स्टाइल की है लेकिन कई लोगों की उंगलियां मेरी तरह इतनी फास्ट नहीं चलती हैं, तो उनके लिए क्या है, आप दिखा रही हूं मैं, आप उसको ऐसे थपकी की स्टाइल में आपको इस तरीके से थपथपाना है अपने चेहरे पे। क्यों थपथपाना है भाई, हमें नहीं थपथपाना इसलिए थपथपाना है जिससे आपका जो ब्लड सर्कुलेशन होगा डियर वो बहुत तेज हो जाएगा, इसलिए आपको ये प्रोसेस करना बहुत जरूरी है। इसके बाद आपको इसको छोड़ देना है। इसको छोड़ने के बाद आप कोई भी सीरम मॉइस्चराइजर कुछ भी लगा सकते हो, लगेगा ही नहीं कि आपने कुछ भी लगाया है, राइस वाटर कहाँ चला जाता है। स्किन आपकी इतनी प्यासी होती है, आप एक बार करके देखो, आपकी स्किन पूरी सोख लेती है इस चीज को और पूरी एब्जॉर्व कर लेती है। तो ये आपको करना है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। चलिए बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर्स के। कुछ लोग कहेंगे कि मैन एंड वोमेन दोनों यूज कर सकते हैं, सोडियर दोनों यूज कर सकते हैं, इवन आप छोटे बच्चे पे भी यूज कर सकते हो, मैं अपनी बेटी पे भी कभी कभी अप्लाई कर देती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 साल से ऊपर का बच्चा अगर है आप उस पे भी ट्राई कर सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन आता है कितनी बार ट्राई करना है। आप इसको दिन में एक बार लगाइए, कभी भी जब भी आप फ्री हो, आप सुबह के में रात के में जब भी आप स्किन केयर रूटीन कर रहे हो तब आपको ये करना है। क्या मैं डेली कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकते हो आप डेली, जितना आप कंटिन्यू रखो उतना ही अच्छा है। वैसे मैं आपको 7 डे चैलेंज दे रही हूँ लेकिन ये जरूरी नहीं है कि भाई मैंने 7 डे कर लिया बस हो गया काम, अब नहीं करना तो ऐसा नहीं है, आप 15 दिन करिए, उसके बाद 2 दिन का गैप दीजिए, उसके बाद आप इसको 15 दिन करिए रेगुलर। अगर आप 3 महीने कर लेते हो ना तो आप जो पिक लेना पहले की और बाद की, मतलब ऐसा ड्रामेटिकल चेंज आप खुद देखोगे कि लोग पूछेंगे, लोग पूछे ना पूछे, लेकिन जब आप खुद अपने आप को देखोगे तो खुद आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सारी समस्याएं दूर होंगी, यस डियर सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, आपके ओपन पोर्स की समस्या है वो रिड्यूस हो जाएगी, आपके चेहरे पे एक शाइन आ जाएगी, अगर बेजान आपका चेहरा है तो उसमें एक जान आ जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपकी स्किन में नया नूर आएगा, नया निखार आएगा, स्किन आपकी ब्राइटन अप हो जाएगी, लाइटन अप हो जाएगी। और अच्छा फायदा ये है कि आपकी स्किन को जो ना इतनी अच्छे से ये टाइट करता है, इतने अच्छे से फर्म करता है कि आपकी जो एज है वो रिवर्स होने लगेगी। 40 के हो तो 20 के लगोगे, आपकी एज कम लगने लगेगी। तो डिया ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप
कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। बहुत ही सिंपल तरीका मैंने बताया है इसलिए क्योंकि बहुत सारी लेडीज इतनी बिजी होती हैं कि वो नहीं कर पाती हैं कि ये पैक लगाओ वो पैक लगाओ, 3 to 4 steps करो, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छी है। एक बार का है, एक बार आप लगा लो, 10 दिन के लिए 15 दिन के लिए फुर्सत हो जाएगी। तो आप लोग जरूर ट्राई करिएगा ये रेमेडी और मुझे कमेंट सेशन में आके बताइएगा कि आपको क्या रिजल्ट मिला। और भी अगर कोई आपकी ऐसी क्यूरी होती है आपकी स्किन से रिलेटेड, आपके बालों से रिलेटेड, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हैं, मैं वहां पे बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहती हूँ। लिंक मैंने इंस्टाग्राम के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, साथ में स्क्रीन पे भी दे दी है। तो प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा। लाइक करने से हम लोग को बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलती है कि नहीं आपको अच्छा लग रहा है तो चलो नए नए वीडियोज लेके आते हैं, किस तरीके से आपकी स्किन को आपके बालों को हजारों लाखों की भीड़ में मुझे अलग बनाना है, ये मेरा काम रहता है। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर।